नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में कक्षा आठवीं सामाजिक विज्ञान का जो हमने आपको पेपर बताया था आईएमपी क्वेश्चन, उन सभी का आंसर आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपकी मर्जी हो तो मत कीजिएगा, लेकिन पूरी जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को देख लेते हैं, उसके बाद इनके आंसर देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए। उस वीडियो को नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं। प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या अंग्रेज अपनी दस्तावेज को किस प्रकार से संभाल कर रखते थे? ठीक है। दूसरा, अपना अफ्रीका में कौन कौन से खनिज पाए थे? नवा है हाशियाकरण किसे कहते हैं? दसवा है मल्च कैसे और क्यों बनाए जाते हैं? ग्यारहवा है बंगाल विभाजन के पीछे क्या उद्देश्य था? बारहवा है खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? तेरहवा है भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? चौदह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से समाज में कौन कौन से बदलाव हुए? अगला देखिए, पंद्रह है जनता अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनती है? उसके बाद सोलह है बिरसा मुंडा आदिवासी समाज को किस प्रकार सुधारना चाहते थे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर, विलय नीति क्या थी? इसका शिकार किस किस रियासत को होना पड़ा? अगला है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को संरक्षण क्यों करना चाहिए? ठीक है। अगला है फौजदारी कानून क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? अगला है संसदीय शासन पद्धति क्या है? अगला है 1857 की क्रांति की बात, अंग्रेज ने शासन में कुछ एम बदलाव किए थे, कोई दो लिखिए। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या अपना, अगला यहाँ पर देख सकते हो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। अगला देख सकते हो, संसाधनों का संरक्षण क्यों हो सके? अगला है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है ना, किन्हीं तीन फसलों के बारे में लिखिए। तो चलिए अब टाइम आता है इन सभी का आंसर देखने का। आंसर देखने से पहले एक छोटा सा एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, तो उस एड को आप जरूर देख लें। गाइस, आज मैं आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप 500 से 1000 रुपए डेली जीत सकते हो, जिसका नाम यहाँ पर देख सकते हो क्रिकविन। आपको इसमें सिंपली करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको रजिस्टर कर देना है। यहाँ पर आपको रिफरल कोड अगर आप मेरा यूज करते हो जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कैशबैक मिल सकता है। दोस्तों, आप यहाँ से जीते हुए पैसों को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में, पेटीएम वॉलेट में या फोन पे वॉलेट में या फिर पेटीएम में आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के डाउनलोड कीजिए। ठीक है। आप अगर यहाँ पर एक फ्रेंड को अगर आप इसे शेयर करते हो तो वहाँ पर आपको 50 रुपये बोनस मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर स्पिन एंड विन करते हो तो यहाँ पर आपको जो है ना बहुत सारे एसेसरीज दे सकते हो, जैसे कि हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ आदि। ठीक है। तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए। ले मित्रों, बच्चों बिना देरी के इन सभी का ए टू जेड यानी कि सारे आंसर उत्तर देख लेते हैं। आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको इन्हें नोट करना है, उसके बाद फिर से वीडियो को दोबारा चलाना है, दोबारा चलाने के बाद फिर से देखना है। ठीक है। देखना है कि भाई आप कोई गलती तो नहीं की हो। ठीक है। वरना आप अगर कुछ गलती किए जाओगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आपको पूरे में से पूरे अंक लेने के लिए आपको एक भी गलती नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। साथ में देख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा, अंग्रेज अपने दस्तावेजों को अभिलेखागार और संग्रहालय में संभाल कर रखते थे। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, हाशियाकरण शब्द से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर किनारे या हाशिए पर धकेल दिया हो, ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता है। अगला देखिए, नौवा जो अपना उसका आंसर देख लेते हैं। नौवे का आंसर है, अफ्रीका में हीरा, सोना, प्लेटिनम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ तांबा, लोह अयस्क, है ना, क्रोमियम, है ना, यूरेनियम, कोबाल्ट, बास्काइट, बॉक्साइट तथा खनिज तेल भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 अपना, वो उसका आंसर है, मल्व विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावरित भूमि, है ना, अनावरित भूमि जैव पदार्थ जिससे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यह मृदा निम्नीकरण रोकने व मृदा संरक्षण का उपाय है। ठीक है। अगर आपसे मृदा संरक्षण का उपाय भी पूछा जाए तो आपको यह उत्तर पूरा पूरा लिख देना है। अगला देखिए, अगला देखते अपन, ये तो हो गई मल्व विधि। उसके बाद ग्यारहवा का उत्तर लिखिए, बंगाल विभाजन के पीछे प्रमुख उद्देश्य बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना था, ताकि बंगाल की संगठित राजनीति भावना समाप्त हो जाए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन क्रमांक 12 है ना, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 12 यार। ठीक है। क्या है, खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करके धातुओं के पुनः चक्रण द्वारा तथा खनिजों के निर्यात में कमी करके खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन क्रमांक 13 आ जाता है, उसका आंसर है भारतीयता धर्मिक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा,
भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकता है। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाए। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को न दबाए। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट और है कि राज्य न तो किसी धर्म को दोपेगा, ठीक है, न तो किसी धर्म को डराएगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन क्रमांक 14, उसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। उनके सुझावों को मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1856 में एक कानून पारित किया जो विधवा विवाह की अनुमति देता था। अगला देखिए 15वां, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव में मतदान करके चुनती है। ये प्रतिनिधि जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति, है ना, उत्तरदायी होते हैं। यदि जनता को इनका कार्य पसंद नहीं आता है तो वह अगले चुनाव में इन्हें प्रतिनिधि को नहीं चुनती है और हरा देती है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखिए, इसका पहला पॉइंट आ जाएगा बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की खराब दुड़वाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है बिरसा मुंडा चाहते थे कि आदिवासी लोग अपने गांव को साफ सुथरा रखें। तीसरी बात थी कि वे चाहते थे कि आदिवासी अंधविश्वासों में विश्वास न रखे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है सन 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल, है ना, ये पूरा आपको उतार लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है बढ़ती जनसंख्या की मांग से प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के ऊपर संकट उत्पन्न हो गया है। इस वजह से प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता हो गई है। वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, पारितंत्र को अनुरक्षित कर रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक आवास नष्ट होने से बहुत सी जातियां असुरक्षित हो गई है। इसके अलावा वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, है ना, दबनल और भूस्खलन के कारण प्राकृतिक वनस्पति लुप्त होने के कगार पर है। इसी प्रकार जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है जिससे कुछ जंतु जैसे कि घोड़ा, शेर, हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा आदि खत्म होने जा रहे हैं। इस कारण प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए हमें प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला अपना है प्रश्न क्रमांक 19, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो फौजदारी कानून। यह ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून ने अपराध माना है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज के लिए स्त्री को तंग करना आदि। इसमें सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है, वह जुर्माना लगाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है यहाँ पर संसदीय शासन पद्धति या संसदीय शासन प्रणाली। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया है। सरकार के सभी स्तरों पर ठीक है प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं करती है। संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं चुनाव लड़ सकता है चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, आप यहाँ पर देख सकते हो पहला पॉइंट, अंग्रेजों ने वस्तुओं को अपनी ओर करने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू किया। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों ने समस्त वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई।
22वां आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ पर आ जाएगा क्रमांक। वे संसाधन जिनका उपयोग दो या दो से अधिक बार किया जाता है नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं, और अनवीकरणीय में लिखेंगे वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार ही किया जाता है अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं, सिंपल है। उसका दूसरा पॉइंट में लिख दो, ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी कमी नहीं है। और अनवीकरणीय में क्या होता है, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि इनकी कमी है ना, ये भरपूर मात्रा में नहीं है। अगर हम इनका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो ये नष्ट होने की कगार पर है। तीसरा पॉइंट लिख दो, जैसे हवा यानी कि वायु, सूर्य का प्रकाश आदि, और इसमें लिख दो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, तो ये हो जाएगा आपका 22वें का उत्तर। अगला देखिए 22वें का अथवा वाला देख सकते हो आप यहाँ पर, संसाधन कई प्रकार के होते हैं जिनमें से अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है तथा इनको पूर्ण पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यदि विभिन्न संसाधनों का उपयोग अनावश्यक एवं अनुचित तरीके से किया जाए तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं तथा भावी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होंगे, उनके लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे जल की कमी से जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः ऐसे संकटों से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, हमें करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या अपना प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, यहाँ पर देख सकते हो निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का तात्पर्य एक कृषक के द्वारा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करने से है। इसमें परंपरागत तरीके एवं निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से है ना खेती की जाती है, जिससे उपज की भी कमी होती है, निर्वाह उपज भी कमी होती है, ठीक है। निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, पहली होती है गहन निर्वाह कृषि, दूसरी होती है आदिम निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि में एक कृषक एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार तथा अधिक श्रम के साथ खेती करता है, वह एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवायु यानी कि चलने वाली पशुचारण कृषि शामिल है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा 23वें का आंसर। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, आपका 24 वाला जो प्रश्न है उसका अथवा वाला और 25वां वाला, ये दोनों है ना राजस्थान है ना आरजे बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, इसलिए मैंने आप सभी को इनका आंसर नहीं दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सपाटी भैया बहनों यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना, अपने स्कूल का ग्रुप हो तो उसमें भी शेयर करना, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, उनको सहायता मिले, वो भी पास होकर के 9th क्लास की स्टडी करें और आपके साथ आगे बढ़े। यार आपके दोस्त हैं उनकी मदद करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाए और आप उन्हें देख पाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडी।